तो हेलो मेरे भाई, कैसे हो आप सब भाई। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि भैया एयरफोर्स की तो आ रही है लेकिन नेवी की वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है, तो नेवी की वैकेंसी के बारे में कुछ बता दीजिए। तो भाई नेवी की वैकेंसी आ चुकी है और वो भी 10+2 एंट्री ही है, ठीक है, 10+2 एंट्री है और ये भी 12th पे होने वाली है। और क्या क्या इसका प्रोसीजर है सब कुछ हम डिटेल में बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलो मेरे भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक कर देना मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम सर्च करोगे जब गूगल पर फास्ट जॉब सर्चेस, ठीक है, फास्ट jobsearches.com, ठीक है, ये देख लो यहाँ पे, यही सर्च करना है आपको, ये सर्च करोगे और ये बहुत ही भरोसेमंद है मेरे भाई, ठीक है। तो ये और सरकारी दो पे मैं हमेशा चेक करते रहता हूँ। यहाँ पे आओगे तो देख लो यहाँ पे कि नेवी, इंडियन नेवी 10+2 बीटेक एंट्री ऑनलाइन, और सारा नोटिफिकेशन हम सब कुछ दिखाने वाले हैं आपको, सब कुछ, और ये बिल्कुल फेक नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो कि एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है वो 6/10 यानी 6 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक आपका, 6 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे आओगे तो अप्लाई ऑनलाइन देख लो, यहाँ पर 6 तारीख को आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पर 6 अक्टूबर को। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पर जाओगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाओगे और यहाँ पर नोटिफिकेशन हम डाउनलोड करते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन यहाँ पर क्लिक हेयर करके हम डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक ही में ओके मेरे भाई, तो यहाँ पे डाउनलोड हम कर लेते हैं, क्या क्या नोटिफिकेशन है वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे हम, तो ड्राइव में ही कर लेते हैं। एक मिनट ओके कर लो भाई, ठीक है। तो यहाँ पर पीडीएफ खुल चुका है और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, ओके, हाँ जूम आउट हो गया। तो हर काम देश के नाम यहाँ पर स्टार्टिंग में ही देख रहे हो, और 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री, और ओके, तो ये सारा चीज़ आप जैसा कि देख पा रहे हो। चलो भाई अब एक बात और देखो, नीचे में जैसे ही आओगे तो ये जनवरी 2021 के लिए है, ठीक है, जनवरी 2021 के लिए यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ सकते हो कि कोर्स कॉमेंसिंग जनवरी 2021, ठीक है। तो ये हो गया, अब थोड़ा सा नीचे आ जाओ कि डेट ऑफ ओपनिंग जो है वो कब का है। तो देखो यहाँ पर अनमैरिड मेल के लिए आपका, यहाँ पर देख लो कि डेट ऑफ ओपनिंग 6 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हो रहा है, और अप्लीकेशन इनवाइटेड अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स, ये सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये, हाँ एक बात और मैंने क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पे कि ये 10+2 एंट्री है और ये बीटेक एंट्री, इसको कहते हैं बीटेक एंट्री कहते हैं इसको, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर सीट का वैकेंसी, कितना वैकेंसी है, कितना सीट है, इसके बारे में थोड़ा आपको डिस्कस कर लेते हैं। तो द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमॉन्ग एजुकेशन एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांचेस ऑफ इंडियन नेवी ऑन कंप्लीशन ऑफ दियर कोर्स एट INA, ओके। द ब्रांच वाइज वैकेंसीज आर एज अंडर, तो देखो एजुकेशन ब्रांच में आपको 5 वैकेंसी और एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल ब्रांच में आपको 29 वैकेंसी, और इतने टोटल 34 सीट्स हैं, टोटल 34 सीट्स हैं, ठीक है, तो 34 सीट है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कुछ नोट है, यहाँ पे ध्यान देना कि एक बंदा एक ही एप्लीकेशन भर सकता है, ओके, पहला ये हो गया। सेकेंड नंबर कि कैंडिडेट्स में अप्लाई अपना, जैसे कि एयरफोर्स XY होता ना, वैसे ही आप या तो ये भर सकते हैं या तो ये, या तो दोनों भर सकते हैं, ठीक है, बोथ का भी भरने का ऑप्शन रहता है, ठीक है, ये भी भर सकते हैं। अब नेक्स्ट थिंग कि कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर SSB दिन ऑन दियर फर्स्ट प्रेफरेंस, तो ये भाई ऑफिसर रैंक के लिए, आपको पता होगा शायद कि 10+2 बीटेक एंट्री होता है वो ऑफिसर के लिए होता है, और ये 10+2 में ये आपको ये बहुत ही सुनहरा मौका होता है, ठीक है। तो और इसमें एक बात और इसमें आपको बता दें कि इसमें आपने अगर JEE Mains दिया होगा तो आप तभी भर सकते हैं, ये आपको बहुत ही स्टार्टिंग में क्लियर कर दे रहे हैं हम, ठीक है। और जो थर्ड थिंग है कि आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस है उसके हिसाब से आपका SSB के लिए शॉर्टलिस्टेड होंगे आप, ठीक है। फोर्थ इज कि इफ नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द फर्स्ट प्रेफरेंस यू मे बी कंसिडर फॉर अल्टरनेट ब्रांच सब्जेक्ट टू अवेबिलिटी ऑफ स्पेयर स्लॉट इन SSB बैचेज ऑफ दैट ब्रांच, ठीक है। इतना सब कुछ जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इसको एक बार डाउनलोड करके या मैं टेलीग्राम पे इसको भेज दूंगा और वो यहाँ पे डाउनलोड कर इसको जरूर पढ़ लेना, इसको अच्छे से ध्यान से, ठीक है। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया देखते हो, डेट ऑफ बर्थ तो 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जनवरी 2004 तक आपका ये होने वाला है, ठीक है, आपका इसके बीच में होने वाला है। तो देख सकते हो कि 2 जुलाई 2001 हो गया, 2 जुलाई 2001 हो गया, तो अब ये आपका ये हो गया। और हाँ, कितने मार्क्स चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, तो 70% एग्रीगेट होना चाहिए। तो एग्रीगेट कितना होना चाहिए भाई, तो 70% एग्रीगेट होना चाहिए, यानी सब कुछ मिला के आपका 70% होना चाहिए, ठीक है। और सब कुछ मतलब कि जैसे कि फिजिक्स, PCM, तो PCM अगर तीनों को जोड़ो तो 70+ से अबव होना चाहिए, ओके। और 50% इन इंग्लिश, 50% आपका इंग्लिश में होना चाहिए, ये भी आपकी आवश्यकता है। तो ये तीन चीज़ हो गया। अब देखो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने जैसे ही बताया स्टार्टिंग में कि JEE मेन जो 2020 जो दिए हैं वहीं बीटेक एग्ज़ाम को भर सकते हैं, ठीक है, और उनको ही अपना ऑल इंडिया रैंक भी जो वो अपना भरते वक्त वो पूछ लेता है, ठीक है। और यहाँ पर मेडिकल एंड स्टैंडर्ड, तो मेडिकल तो सब कुछ का एक ही हो सकता है, ऑफिसर रैंक वाला है, तो टैटी वगैरह ये सब में कोई दिक्कत नहीं है, बताने वाली चीज़ आपको यहाँ पे है, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं।
ठीक है, एक मिनट, और इधर तो कुछ बताने लायक कुछ है नहीं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर है कि क्या क्या जरूरी है, तो 10+2 मार्कशीट और फील्ड सर ईमेल एड्रेस वगैरह सब चीज़ भरना है, मैंडेटरी है, और बस सारा चीज़। इसको मैं PDF भेज दूंगा अपने टेलीग्राम पे, ये डाउनलोड टेलीग्राम पे सर्च करना है डिफेंस गाइडेंस, ठीक है। डिफेंस गाइडेंस सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है, डिफेंस गाइडेंस सर्च करोगे मिल जाएगा। और एक बात और बता देते हैं कि अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लिया, ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं लिया, तो 140 रुपये में भाई मिल रहा है, 140 रुपये में 40 सेट, ठीक है। और कूपन कोड आपको यूज करना होगा गाइडेंस 50, ठीक है, गाइडेंस 50। और भाई जितना ऑनलाइन मॉक लगा सब चीज़ का वैकेंसी आ रहा है, तो आप लोग का अगर SSSR का वेट कर रहे हैं तो वो भी तुरंत आने वाला है, ठीक है। ये कोड कूपन यूज करना, आपको 50% ऑफ मिल जाएगा, 50% ऑफ मिल जाएगा। कितना परसेंट? तो भाई 50% आपको ऑफ मिल जाएगा, ओके। तो अब आ जाओ, ये सब कुछ हो गया, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और ये टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको, परमानेंट कमीशन है ये, शॉर्ट कमीशन पर, कमीशन के बारे में आपको जानना हो तो आपको एक स्पेशल से वीडियो बना दिया जाएगा कि परमानेंट कमीशन क्या होता है, शॉर्ट कमीशन क्या होता है, ठीक है। खैर कोई नहीं, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।